बांका में भी पीएम किसान सम्मान निधि समारोह का सीधा प्रसारण देखा गया। इसका जायजा लिया हमारे वरिष्ठ संवाददाता अजय कुमार ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 सालों का कार्यकाल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के रूप में जाना जाएगा और इस कड़ी में आज जो है हम बात कर रहे हैं बांका जिले की, जो झारखंड से सटा हुआ एक बिहार का जिला है और ये पिछड़ा हुआ जिला माना जाता है। राज्य सरकार इस समय प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है और डबल इंजन की सरकार ने केंद्र की योजनाओं को लागू करने में जो तत्परता दिखाई है उसमें जिला प्रशासन की भी अहम भूमिका है। क्रम में बांका जिले के एक लाभार्थी ललिता देवी जी से भी प्रधानमंत्री जी से संवाद करेंगे तो उनसे अभी संवाद करेंगे। साथ ही साथ जीविका के द्वारा भी जो ऋण वितरण किया जा रहा है, अब जो महाजनी प्रथा गांव में थी वो महाजनी प्रथा धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। ये परिवर्तन, ये बहुत सारे काम, जितना काम भी गिना में कम होगा, समय कम है। निचल शब्दों के साथ तमाम भाइयों को नमस्कार, जय। बक्सर में पीएम किसान सम्मान निधि कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने किया। यहां भी लाभार्थियों में इस योजना को लेकर काफी उत्साह देखा गया। पटना में भी पीएम किसान सम्मान निधि कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के साथ वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। यहाँ पर उपस्थित हो रही है, हम सभी गर्व महसूस करते हैं इसी भारत। इधर भोजपुर में भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का सीधा प्रसारण देखा गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने की। स्थानीय लोगों को किसान सम्मान निधि के पैसे से बड़ा लाभ हुआ है, इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। वो कार्ड हम सबको दें, पूरे देश में हम लोग ये जितने गरीब परिवार थे करीब करीब सबको हम लोगों ने कवर कर दिया है। कुल मिला कर करके कार्ड से 55 करोड़ लोग कवर हो गए पूरे देश में, 55 करोड़। सामान्य योजना मिलता है 2000 का, साल में 6000 रुपये मिलता है, उसे खाद बिया डालने का अथी में काम करता है। फिर गैस का जो मिलता है वो चूल्हा सब मिला है, खाना पहले लकड़ी पे बनता था, अभी गैस पे बनता है तो बहुत आराम है। समस्तीपुर में भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का सीधा प्रसारण देखा गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से आम लोगों को फायदा हुआ है। भगीरथ ने अपने तपस्या से और अपने प्रयत्न से शंकर की जटा से गंगा मैया को धरती पर उतारे, उसी प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भगीरथ प्रयास का परिणाम है कि आज विकास की गंगा जन जन तक, हर हर गांव गांव शहर शहर सबके पास पहुंच रही है।